अध्यक्ष राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता सांसद गण आज प्रोटेस्ट मार्च में जाएंगे, जो पूरी व्यापक असहिष्णुता है। जिस प्रकार से नफरत की राजनीति का देश में बोलबाला है, जिस प्रकार से अगर आप मोदी जी से असहमत हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, इस प्रकार के स्वर बार बार उठते हैं। इनके विरुद्ध और इस देश के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा के लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट मार्च जाएगा राष्ट्रपति जी तक। ये भी कहा गया कि तकरीबन 125 लोगों की परमिशन मिली, जबकि ज्यादा मांगी गई। आपने सही फरमाया, अगर देश के मुख्य विपक्षी दल पर भी आप इस प्रकार की सीमाएं लगाएंगे तो अभिव्यक्ति की आजादी का क्या होगा? क्या कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता किसी प्रकार का खतरा है दिल्ली की सुरक्षा को? क्यों मोदी सरकार जानबूझकर 110, 120, 125 इस प्रकार की सीमाएं क्यों लगा रही है? ये अपने आप में स्वतंत्रता पर एक तरह से पाबंदी है। सोनिया जी एंड राहुल जी विल बी लीडिंग ए प्रोटेस्ट मार्च टू राष्ट्रपति भवन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कल्चर ऑफ इंटॉलरेंस, स्टाइफलिंग ऑफ डाइसेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ हेट बींग परपेचुएटेड बाय मोदी गवर्नमेंट। ओनली 125% अलाउड ऑन दिस? एब्सोल्युटली करेक्ट, बट व्हाई शुड कर्ब्स बी इम्पोज्ड ऑन द प्रिंसिपल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री? How are members of parliament a threat to the security of Delhi? I think this is one more attempt to curb democratic dissent.